क्या आईपीएल 2025 में खेलेंगे एमएस धोनी? क्या सीएसके कर रही है धोनी को रिटेन करने की प्लानिंग? आईपीएल के 18वें सीजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस टूर्नामेंट के आगाज से पहले इसी साल मेगा ऑक्शन होगा। बीते बुधवार को बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिकों के साथ बैठक की। इस दौरान खिलाड़ियों के रिटेंशन और नीलामी के नियमों पर बात हुई। इन सब के अलावा पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी के रूप में अपने भविष्य पर बात की। उन्होंने बताया कि इस पर फैसला लेने से पहले वो खिलाड़ियों की नीलामी और रिटेंशन के नियमों का इंतजार करेंगे। इसके अलावा उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप 2019 की हार पर भी बात किया। उन्होंने पहले 2019 के हार के बारे में बात करते हुए कहा, ये मुश्किल था क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा आखिरी विश्व कप होगा, इसलिए जीतने वाली टीम में होना अच्छा होता। ये दिल टूटने वाला पल था, इसलिए हमें परिणाम को स्वीकार कर लिया और आगे बढ़ने की कोशिश की। समय थोड़ा लगता है और विश्व कप के बाद थोड़ा समय मिल भी जाता है। मैंने तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खेला नहीं है, तो मुझे तो काफ़ी समय मिला, इसलिए हाँ ये दिल टूटने वाला था, लेकिन साथ ही आपको इससे बाहर निकलना होता है। इसलिए आपको बस ये स्वीकार करना होता है कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन आप इसे जीतने में सक्षम नहीं थे। वहीं उन्होंने आगे अपने पसंदीदा गेंदबाज का नाम बताते हुए कहा, उन्होंने कहा, मेरे पसंदीदा गेंदबाज चुनना आसान है क्योंकि वो बुमराह हैं, बल्लेबाज चुनना कठिन है क्योंकि इतने सारे अच्छे बल्लेबाज हैं। इसके मायने ये नहीं कि हमारे गेंदबाज अच्छे नहीं हैं, बल्लेबाजों में से एक को चुनना कठिन है। मैं किसी एक को नहीं चुनना चाहता, उम्मीद है कि वे सभी रन बनाते रहेंगे। आईपीएल में अपने भविष्य के बारे में उन्होंने कुछ बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अभी इसमें समय है, देखते हैं कि खिलाड़ियों को बरकरार रखने पर क्या फैसला लिया जाता है, अभी गेंद हमारे पाले में नहीं है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज क्रिकेट विनर को फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें।